हम इसे डार्कर ग्रीन लेंगे। यू कैन टेक सैप ग्रीन ऑल्सो। और इसके एज पे, एज से हम शुरू करेंगे। प्रेशर कंट्रोल करते हुए येलो के साथ, येलो और लाइटेस्ट ग्रीन के साथ इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे अपर से लोअर पोर्शन पे लेके आएंगे, ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे इन तरीके से, और नीचे कम प्रेशर। एटलीस्ट यहाँ तक लेके आना है। क्योंकि धीरे धीरे येलो पे हम ओवरलैप करेंगे। इतना हमने किया, देन अगेन विल टेक द लाइट ग्रीन और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे अराउंड हेयर ऑल्सो। बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। पेंसिल कलर से ब्लेंड होगा। हम इसके ऊपर जितना ओवरलैप करेंगे this way, ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इसके अराउंड अच्छे से येलो से इसको ब्लेंड कर दिया हमने। यहाँ पे वाइट से थोड़ा सा और हम मिक्सिंग करते रहेंगे। ओके, दिस वे आई विल टेक द डार्केस्ट ग्रीन, पैरेट ग्रीन। इसको हम एच के अराउंड इस तरीके से लेके आएंगे, एक साथ सर्कुलर वे में इसे।
पहले अपर पोर्शन पे डार्क, इस तरीके से। इधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा एजेस पे, राइट। और अंदर की तरफ थोड़ा प्रेशर कंट्रोल करेंगे, कम प्रेशर देंगे एंड ब्लेंड करेंगे। अगेन एजेस पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, और अंदर की तरफ प्रेशर कंट्रोल करेंगे और सर्कुलर मोशन में इसको लेके आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अगेन विल डू सम डार्कर पोर्शन, थोड़ा डार्क करेंगे। स्टार्क को इसके अराउंड भी थोड़ा सा लेके आएंगे, बस एक लाइन, ज़्यादा नहीं, राइट। विल टेक येलो से ब्लेंड करेंगे अगेन, थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा येलो लेके इसके अराउंड भी हल्की सी एक लाइन के साथ इसको एक सर्कुलर उसमें अच्छे से येलो से इसको ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। अगेन विल टेक वाइट थोड़ा एंड वी विल अगेन ब्लेंड इट ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेंसिल कलर, राइट। सबको एक बराबर हम लेके आएंगे। This way, ठीक है। So here it is. इस तरह से हमने अपनी बॉल तैयार कर ली। Now, what we will do?